अब तक आपने देखा पॉइंट्स के अनुसार लाखा ने 5 में से 4 पॉइंट्स हासिल किए. इस हिसाब से रघुवीर जी आपके अखाड़े के दोनों पहलवान नेशनल के लिए क्वालिफाई हो. बंद करो ये गाना बजाना. और नहीं होगी बड़ो बहू की कुश्ती. आज तू हमारे घर आई थी हमारी बहुओं को भड़काने के लिए और क्या कह रही थी उन्हें तोड़ के रख दूंगी. आज जो यो गाँव में हिंसा हुई से इसकी वजह जो बड़ो ही से. अब आगे राम सिंह जी छोरियां पागल ना होती ये ऐसी जब मन में आया और छोरों को पीट दिया कोई वजह जरूर होगी. वजह चाहे जो भी हो लाखा पर किसी को भी किसी पे हाथ उठाने का हक ना दे. पर ये जो कुछ भी हो रहा से ना बड़ो बहु के अखाड़े में उतरने की वजह से हो रहा से. कुछ कहने सुनने को रह गया सरपंच जी. इब तो तुमने बतेरे लोग बता सके इस बात ने के बड़ो की देखम देख इन छोरिया ने तोड़ दूंगी की रट लगा रखी है. और एक और बात बता दू तुमने इस सम में बड़ो की भाभी पायल का हाथ से मने ईसा लग गए नु है चलता रहा तो एक दिन इस गांव की सारी छोरी अपने घर के मर्दा ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगी. छोरियों के लिए ऐसा करना समाज के लिए अच्छा कौन होगा. भाई जी वो गलत है. क्या सही और क्या गलत हम सब समझ गए से कोमल. हमला बहन बिल्कुल पते की बात कर रही से. हमारा तो यो मानना से यो कोमल बहु वो गंदी मछली से जो सारे ये बहुत हो गया आपका. बातों बातों में ना अपनी मर्यादा को ना लांगो और ये अच्छा होगा आपके लिए. लाखा बाबूजी मन्ने अपनी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए. क्या सफाई देगी अब तू? तने तो हम सब साफ कर दिए. सरपंच जी हरा यो मानना था ना कि बड़ों की कुश्ती की वजह से किसी ने भी किसी ताई की तकलीफ कोन्या होगी पर आज तो एक कोन्या कई सबूत तेरे सामने है. बड़ों की कुश्ती की वजह से इस गांव के लोगा के हाथ पांव टूटने लग गए. मैं थारे का अनुरोध करूं हूं कि बड़ों की कुश्ती पर रोक लगा दो. ताकि हम और ये गांव वाले चैन से जी सकर रह ले इस काम में. ना भाभी ये तो कतई ना हो सके. किसी दूसरे की हरकत की वजह से आप हमारी बेटी कोमल को दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना. देख रघु इब कहने सुनने कुछ ना रहा है. एक सरपंच होने के नाते इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इनको नजरअंदाज बिना किए मुझे कड़ा फैसला लेना ही होगा. मेरा ये फैसला है कि कोमल सिंह अहलावत अखाड़े में प्रवेश ना कर सकेगी. और ना ही कोमल सिंह अहलावत अखाड़े में कुश्ती कर सकेगी. क्या बोल रहे हैं आप? अब मैं मानती हूँ कि बड़ों से गलती हो गई होगी पर बड़ों की तरफ से अपनी तरफ से अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं सारे पीड़ितों से माफी मांगती हूँ. और
इन का जो भी हर्जाना हुआ होगा मैं वो सारा चुका दूंगी। पर भाई साहब ऐसा मत बोलो। ना माँ जी, मन्ने कोई गलती। मैं बोल रही हूं ना, तू चुप रह। भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इतनी मुश्किलों के बाद बड़ों की कुश्ती फिर से शुरू हो गई है, आप इसे बंद मत करवाओ। मालती, अब तने कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत ना है। कोमल सिंह अहलावत अखाड़े में कुश्ती ना कर सकेगी, मतलब ना कर सकेगी। ये हमारा अंतिम फैसला है। बाबूजी, आप कुछ भी करिए पर आप ताऊजी को समझाइए, वो ऐसे बड़ों की कुश्ती पे रोक ना लगा सकते। उनका ये फैसला ठीक ना से बाबूजी। बाबूजी, जो हो गया ना सो हो गया। आपसे जो हो सकता था आपने वो किया। अब इन बातों को ना अपने दिल पे ना लगाओ। पर मुझे वो फैसला मंजूर ना से और मैं इसका विरोध करूंगा। हाँ पहुंचे। बड़ो, क्या हो गया बेटा? शायद मेरी किस्मत में कुश्ती लड़ना ना लिखा हो। हर बार शुरू करते हो तो कोई ना कोई तो अड़चन आ जाती है। आपने कितने प्यार से मन्ने को ट्रैक सूट दिया था, पर आज ही मन्ने को आपको वापस लौटाना होगा। माफ कीजिए मन्ने माजी, आपके तोहफे का मान नहीं रख पाए। ना बड़ो, ये बात कर रही है? अरे रख इसको, देख छुरी, ऐसी कठिनाइयां तो आती रहेंगी, तो इनसे डर के क्या हम अपना लक्ष्य छोड़ देंगे? तू तो अच्छी तरह जानती है बड़ो, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ छोरियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बढ़ने की कोशिश करें तो पीछे खींच लेते हैं। अरे तूने जो लक्ष्य कायम किया है, हर को उस पर खरा उतरना है, अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन करना है और दूसरी छोरियों के लिए मिसाल बनना है कि ना? तो इतनी जल्दी हार मान जाएगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे पूरा होगा हमारा लक्ष्य? ना छोरी, इतनी जल्दी हार ना मानते। थारे साथ लाखा है, लाखा के बाबूजी हैं, भाई साहब हैं, मैं हूं थारे साथ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। पर माँ जी, इब रास्ता कौन निकालेगा? ताऊजी, मैं समझ सकता हूं कि तू नाराज क्यों से। आखिर मैंने तेरे अखाड़े खिलाफ फैसला जो लिया से, रघु, तेरे अखाड़े के खिलाफ जो मैंने फैसला लिया ना, उसके लिए मारे को माफ कर दे भाई। ना भाई साहब, बारे से कभी माफी नहीं मांगना। मैंने ये फैसला तेरा बड़ा भाई होने के नाते ना लिया था, बल्कि एक गांव का सरपंच होने के नाते उस गांव के एक अखाड़े के खिलाफ लिया से। बताओ जी,
आप क्या चाहते, या आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हम नाराज भी ना हो? अगर आप ये चाहते हैं ना कि हम नकली हंसी का नकाब पहन के घूमते रहें, हम वो भी कर लेंगे, और अगर नहीं तो आप बताओ क्या करें। लखा बेटा, जब जिंदगी के खिलाफ कोई फैसला हो ऐसा ना, तो हमारे सामने रास्ता होते भी हमें कुछ दिखाई ना देता। चल याद कर, मैंने क्या बोला था, मैंने ये फैसला लिया था कि कोमल अहलावत अखाड़े में कुश्ती ना कर सके से। मैंने ये ना बोला था एक भी शब्द की कोमल कुश्ती ना कर सके से। भाई साहब, आपकी ये बात ना हमारे पल्ले अब पड़ी से है। क्या है ना कि थोड़े सीधे दिल के लोग से आपकी सियासती बातें ना थोड़ी देर में समझ आवे से। इसका मतलब बड़ो कुश्ती? हाँ बेटा, कोमल कुश्ती कर सके से। लाखा बेटा, तेरा ताऊ तेरे खिलाफ कोई फैसला ले सके के? पर हाँ लाखा, एक बात का ध्यान रखना, जब तक कोमल के लिए दूसरे अखाड़े की व्यवस्था ना हो जाए, जब तक कोमल वहां कुश्ती शुरू ना कर दे, तब तक इस बात का जिक्र किसी दूसरे के सामने ना करना। सीता जी, इसका मतलब तो यो से कि बड़ो कुश्ती लड़ सके से। इब तो मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगी, कैसे भी बड़ो की कुश्ती फिर से शुरू करवा के रहूंगी। बड़ो के लिए एक नया अखाड़ा ढूंढना पड़ेगा। जट्टा जी को ये हल्दी वाला दूध दूंगी ना, उनका सारा दर्द दूर हो जाएगा। रगिया जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? दरअसल वो मैंने आपसे आपके और जट्टा जी के बारे में कुछ बात करनी थी। जी बस, दरअसल बात यो है कि उस दिन जब आप जट्टा जी के साथ वो म्यूजिक वीडियो में काम कर रही थी, वो नाच गाना चल रहा था, तो उस वक्त आप तो जानती है कि माँ वहाँ से गुजरी थी, और वो म्यूजिक वीडियो का नाच गाना आपका होते हुए देखकर वो नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रही थी, और मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को करते वक्त आप थोड़ी सी सावधानी बरते, कोई गलती ना करें, क्योंकि आप तो जानती है कि हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं, और हर आपके फैसले में, हर शूटिंग के समय में आपके सामने आकर किसी भी मुसीबत में आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समय आए जिस दिन मैं आपकी ढाल बनकर खड़ा हूँ और फिर भी मैं आपकी किसी तरह कोई मदद ना कर पाऊँ। इसलिए आप जो भी काम करें शूटिंग में, वो ध्यान से करें, सावधानी से करें, और बिना किसी को नाराज किए हुए करें। उठ। क्या हुआ लक्की जी, आप मन्ने इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? जल्दी ना से, जल्दी से उठ और अपना ट्रैक सूट पहन और बाहर आ जा। ट्रैक सूट? मेरी तो कुश्ती बंद हो गई लक्की जी, मन्ने सोने दो आप। जरा बावलों की बातें मत कर, उठ और 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जा। मैं थारी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बाबू जी वेट कर रहे थे। बाबू जी? हाँ बाबू जी। जल्दी तैयार हो और बाहर आ जा। बड़ो, अरे यो बड़ो, अरे के था तू? ए बाहर निकल, के तुम मर गई तू? की बात होगी माँ जी, आप इतना प्यार से बड़ो ने क्यों याद कर रही हो? यो बड़ो घनी तेज और घनी चलाक लूगा इससे। पहले कुश्ती का बहाना लेके इसने घर के सारे काम काज छोड़ दिए, इब तो कुश्ती बंद होगी, इब इसने इस घर का काम करना पड़ेगा। ताई जी, वो ना कोमल भाभी को तो लखा भाई और बाबूजी कहीं बाहर लेके गए से। देवर जी और लखा के साथ है? अरे वहां तो अपने आप ही गई होगी। आ जान दे, आज छोड़ूंगी नहीं कतई। ताई जी के काम से आप मारे को बोलिए ना, मैं कर लूंगी। अम्बे,
ही करेगी सारे घर का काम, फिर यहाँ पायल क्या कर रही है इस घर में, क्या करेगी बड़ों के नाम का काम? ए, मैं क्यों? मतलब हमारा मतलब है मैं तो मेहमान सुना। अच्छा यो ले तो मेहमान पराये हो गए हैं और तू तो हमारे घर की सदस्य है और अपने घर का काम करने में क्या दिक्कत है? और सुन इस पोचे ते यो घर पूरा का पूरा न्यू रगड़ रगड़ के कतई चमक जाना चाहिए। आगे बात समझ में? सरवर जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे अखाड़े की प्रतिभाशाली ये पहलवान कोमल सिंह अलावत को आप अगर अपने अखाड़े में ट्रेनिंग करने का परमिशन दे दें तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। देखिए रघुवीर जी, कल आपके गांव में क्या हुआ ये बात किसी से छिपी ना है। आपने अपने अखाड़े के अंदर छोरी को कुश्ती लड़वाने का जो पहल की, सारे गांव ने जोर से उसका विरोध किया, फिर भी आपने कुश्ती को नहीं रोका। इब तो आपके गांव के सरपंच जी जो आपके बड़े भाई थे, खुद उन्होंने इस कुश्ती को रुकवा दिया। तनवर जी, अरे को लगता है ना कि आपको गलत फहमी हुई है इस बात को लेकर के कि हमारे बड़े भाई जो सरपंच साहब हैं, उनका कहना ये था कि कोमल सिंह अलावत जो है सिर्फ अलावत परिवार के अखाड़े में कुश्ती ना कर सके, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी और अखाड़े में ना उतर सके। देखिए जी, आपके अखाड़े और हमारे अखाड़े के बहुत पुराने संबंध हैं और अच्छे संबंध से वक्त वक्त पे हम दोनों ने एक दूसरे की मदद भी की है। आज इस मुश्किल वक्त में मैं फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ये हमारी बेटी है, इसको अपने अखाड़े में ट्रेनिंग करने की इजाजत दे दीजिए। देखिए रघुवीर जी, आपने ये छोरी को अपने अखाड़े में उतार के अपने हाथ दूषित कर लिया है। अब हमारे अखाड़े में छोरी को लड़वा के क्यों हमारे हाथ दूषित करवा रहे हो? आप समझे है ना कि छोरी अखाड़ा में ना घूंघट में छुपा देती है। हमें तो ये नहीं सुहा रहा है कि आप अपनी बहू को हमारे सामने ट्रैक सूट में लेके आए हो। देखो रघुवीर जी, हमारे अखाड़े में चोरी का आना संभव नहीं है। ये कमला माजी और पिंकी ने अच्छा फंसा दिया मन्ने। कहा तो मैं इनकी साजिशों पे लगाम लगाने आई थी, इन्होंने मन्ने साफ सफाई में लगा दिया। खड़ा मिल गया। अरे उधर के देखे से ऐसी छोरियों को ना देखना, वरना तुम में भी ऐसे बुरे संस्कार आ जाएंगे। चलो स्कूल। बलवीर जी क्या सोचा आपने? भाई सोचना क्या है, ये देखो ऐसी होती है गांव की लुगाइयां, क्या उड़नी लिया छोरी खातिर। जो के बदतमीजी से तने लाज शर्म से गिना
जो यूं गांव-गांव बिना घूंघट अपने ससुर के साथ घूमे से। एक मिनट, इसमें शर्म की क्या बात हो गई? हाँ, इसने जो भी पोशाक पहनी है ना, ये कुश्ती के वास्ते पहनी है। आपने जो करना से वो करो, पर यो पाप हमसे ना होवेगो और हम इस छोरी ने अपने अखाड़े में कुश्ती ना करने देवेंगे। आगे बात समझ में?